राकेश टूर बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर एसोसिएशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे अपने लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए भी उपस्थित हुए हैं। हमारा जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर ये जो सरकार है इसने जिस तरह की बैंक के अंदर लोगों को और लोगों के पैसे से खिलवाड़ करना शुरू किया है, ये देश के हित के लिए नहीं है। हमारे बीच जो हैं हमारे यूपी स्टेट के महामंत्री दिलीप चौहान जी भी हैं और हम बैंक की तरफ से यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं। देश सरकार की कॉर्पोरेट्स के फेवर की जी बैंकों के निजीकरण की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने की जो नीति है उसके विरोध करने के लिए हम लोग सड़क पर और आने वाले समय में देश का सारा मध्यम वर्ग सारा युवा वर्ग सबको सड़क पर आना पड़ेगा, तभी सरकार से गुजराती की सरकार से तभी फिर जीतेगा वरना जी। सरकार जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार जो मानते हैं वो यही अपनाएंगे क्योंकि ये सरकार बिल्कुल उसका कान बंद करके बेसमी को तो कोई कहने की बात सुनती है। बैंक के सभी अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि हमारा वेतन समझौता नवंबर 2017 से लंबित है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, वित्त मंत्रालय का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है और जो भी को प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्ताव सर्वनाश प्रस्ताव है, 2%, 4%, 6%, जबकि आप देखते होंगे दूसरी डिपार्टमेंट्स के जो वेज रिवीजन होते हैं उस वेज रिवीजन में उनकी जो तनख्वाह है वो 25%, 30% तक बढ़ाई जाती है, जब बैंक कर्मियों का योगदान भारत की पूरी आर्थिक नीति में है और उससे ही भारत का विकास हो रहा है, इतना काम है सभी काम बैंकों के द्वारा लिया जा रहा है लेकिन वेतन के नाम के ऊपर सरकार अपनी बेरुखी हमको दिखाती है, अतः आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। सरकार जैसे ही मांगनी पूरी नहीं करती फिर इससे आंदोलन बढ़ता चला जाएगा और आगे और गंभीर रूप लेगा, शासन को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी मांग जायज है और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के हित में।